जुले बच्चों, कल हमने ये साइन इनवर्स का आपको मैंने ग्राफ दिखाया था और आज हम आगे जाएंगे कोस इनवर्स और टेन इनवर्स का, इसी तरह ग्राफ हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है कि हमें रेंज पे ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन है, वरना इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा जी। तो ये ख्याल रखते हुए कि इसी जो रेंज में वहाँ जहाँ पे हमें वैल्यू रिस्ट्रिक्शन किया है उसको हम दिमाग में रखना है, अदरवाइज ये पूरा फिर गलत हो जाएगा, फिर हमें इनका इन्वर्स नहीं आएगा, फिर इसका वैल्यू भी नहीं आएगा। तो बच्चों फिर आज हम कोस इन्वर्स, इसी तरह कोस इन्वर्स का उसका रेंज आएगा 0 to π बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कोस इन्वर्स इज लाइज बिटवीन 0 to π और इसमें इंक्लूडिंग द 0 and π। अब इसका ये है जी, इसका कोस इन्वर्स का कोस का ग्राफ और इसका इन्वर्स इस तरह आएगा, ये है 0 to π द वैल्यू बिटवीन 0 to π। और इसी तरह टेन इन्वर्स का आप इसमें -π/2 to +π/2, तो इसमें -π/2 और +π/2 एक्सक्लूड है, इसमें हम नहीं लेना है क्योंकि 10π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह अब इसका यहाँ पे जो हम 11 क्लास में किया था ये ग्राफ है 10x का, और इसका इन्वर्स क्या आएंगे, तो पहले इस तरह है तो इसका इन्वर्स इस तरह जाएगा, तो ये इसका है। और इसका वैल्यू किस -π/2 और +π/2 के बीच में ही रहेगा, और इसमें -π/2 एक्सक्लूड है और π/2 भी एक्सक्लूड है, यही अब याद रखना है। यही हम अब पहले उसमें हमने डोमेन और रेंज, जो डोमेन और दूसरा जो रेंज है, डोमेन और दूसरा जो रेंज है, हमें डोमेन का तो वैसे जो पहले था वही जो रियल नंबर होगा, और इम्पोर्टेंट इसका रेंज है, रेंज में हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमें, मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क रहा हूँ कि यहाँ आपको ख्याल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि रेंज पे ही हमें यहाँ पे हमें नजर रखना पड़ेगा। तो ये डोमेन में तो हमें वही रहेगा जो पहले रेंज में आया था, ये जो साइन थीटा का जो रेंज में आया था वो तो वही रहेगा। अब इसमें रेंज का ये खास ख्याल रखना पड़ेगा, यही है। अब नेक्स्ट में दूसरा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, आपको अब मैं सेकंड चार्ट दिखा रहा हूँ, ये है जी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी बोलते हैं, आप इसको एक फार्मूला के हिसाब से, टेबल के हिसाब से थोड़ा सा याद रखना होता है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट भी हम कह सकते हैं, तो इसमें यही खास ख्याल रखना है, ये लास्ट वाला प्रिंसिपल वैल्यू वाला, या इसमें ये रेंज भी आप याद रख सकते हैं, अगर अब याद नहीं रख पाओगे तो बहुत मुश्किल है, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं होगा। तो आप देख, अभी मैंने आपको दिखाया था साइन इनवर्स, तो उसका ये है जी इसका प्रिंसिपल वैल्यू, वाइज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स का, तो डोमेन तो वही रहेगा, रेंज आएगा ये 0 to π, इसको हम किस तरह पढ़ाते हैं, द वैल्यू वाइज लाइज बिटवीन 0 and π इंक्लूडिंग 0 and π ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पे है देखिए टेन इनवर्स का डोमेन तो आर आएगा, और रेंज में ये ओपन इंटरवल -π/2 π/2। अब इसको किस तरह पढ़ना होता है, तो द वैल्यू इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ -π/2 and π/2। इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन हम लिखते हैं। इसी तरह कोट इनवर्स का, तो वो भी रियल नंबर्स टू द वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 and π, तो हम इसको, ये भी ओपन इंटरवल है, इसमें भी 0 भी एक्सक्लूड है और π भी एक्सक्लूड है।
ये ख्याल रखना है कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या होता है। इसमें अगर ये जीरो और पाई एक्सक्लूड है, इसमें ये दोनों इंक्लूड है, जो एंड पॉइंट से इंक्लूड है। इसी तरह इसको हम किस तरह पढ़ाते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, द वैल्यू ऑफ वाई इज लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई एक्सक्लूडिंग जीरो एंड पाई। इसी तरह सेक इनवर्स का, तो सेक इनवर्स का ये तो डोमेन है, ये किस तरह पढ़ाते हैं, रियल नंबर्स इसमें एक्सेप्ट माइनस वन बाई टू वन, या रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ दिस ओपन इंटरवल माइनस वाई एंड वाई माइनस वन एंड वन। सो इसको हम एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, एक्सक्लूडिंग भी बोल सकते हैं, आपका दो ऑप्शन है। तो इसका रेंज क्या आएगा, जीरो टू पाई, उसमें से एक्सक्लूड करना है पाई बाई टू। तो क्योंकि ये सेक पाई बाई टू नॉट डिफाइन है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। ये खास ख्याल रखना है इसमें, इसमें बाकी में नहीं है, जो पहले हमने तीन पढ़ा था, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इसमें ये हमने इसमें कोई एक्सक्लूडिंग का कोई वैल्यू नहीं था रेंज में। अब इसमें खास ख्याल रखना है, इसमें एक्सक्लूड होगा पाई बाई टू, क्योंकि जो सेक इनवर्स है वो पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन है। आप इसका हम वैल्यू किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे इसको किस तरह पढ़ाएंगे, ये इस तरह हम पढ़ाएंगे, इस तरह बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वाइस लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई इंक्लूडिंग जीरो एंड पाई, एंड ये इसका माइनस पाई बाई टू, इसको हम एक्सेप्ट पाई बाई टू, इसको हम y इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, इस तरह भी हम लिखते हैं। इसी तरह लास्ट cos cosec इनवर्स, तो इसका ये डोमेन ये है जी, रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन वन टू, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एक्सेप्ट जीरो, हम इस तरह हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, पर एक्चुअली ये किसको किस तरह पढ़ना होता है, द वैल्यू ऑफ y is lies between minus pi by 2 and pi by 2, including minus pi by 2 and pi by 2, and y is not equal to 0. इसमें ये important है। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया एक principal value branches, इसमें हमें ये range पे हमें ज्यादातर इसमें हमें नोट करके इसको हमें ध्यान रखना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि कोई हम साइन इनवर्स कोई भी हम इसी की रेंज में हम इसी की बिटवीन ये इसको ख्याल रखते हुए इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई इसका वैल्यू क्या आएगा वही हम लेके अगर हम निकालेंगे, तो मान लो उसका कोई वन बाई टू होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो वैल्यू है ये उसी में आना चाहिए, उसी के बीच में आना चाहिए। तो अब हम इसको डायरेक्ट, इसमें दो स्टेप है, स्टेप दो है, एक लेट करके भी हम बना कर सकते हैं सॉल्व, दूसरा हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लेट करके भी सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट भी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम इसमें साइन इनवर्स, फिर आप हम इसका वैल्यू साइन का कितना है, साइन कितना डिग्री का वन बाई टू है, तो साइन 30 डिग्री का वन बाई टू है, तो इसको हम इस तरह 30 भी लिख सकते हैं, या हम इसको साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री पाई बाई सिक्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, फिर इसका हम वैल्यू हम निकल सकते हैं आराम से। इसी तरह दूसरा हम लेट करके भी हम निकल सकते हैं, तो लेट उसमें सेकंड केस में लेट आप इसको साइन इनवर्स वन बाय टू को कोई दूसरा एक्स करके हम दे सकते हैं, तो उस समय क्या होगा, ये वहां पे हम इसको वहां ले जाएंगे तो साइन एक्स बनेगा, तो यहां रहेगा वन बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पे साइन कितना का वन बाई टू होगा, अभी अभी हम आपको बताया था, फिर भी आपको मालूम है,
साइन 30 डिग्री पाई बाई 6 इक्वल टू साइन एक्स। तो उस समय हमें एक्स का वैल्यू निकालेगा, एक्स का वैल्यू आएगा पाई बाई 6। तो ये पाई बाई 6 ख्याल रखना होता है कि दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज शुड बी लाइज बिटवीन दैट रेंज माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, उसी रेंज में आना चाहिए। ये खास ख्याल रखना होगा, हमें इसी में खास ख्याल रखना होगा ताकि आगे हमें इसमें कोई मिस्टेक ना करे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एग्जांपल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये एग्जांपल का क्वेश्चन से इसको हम सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन में इस तरह भी लिख सकते हैं, पुट करके या लेट करके, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। इस तरह हम इसको लेट करेंगे तो फिर क्या बना, फिर बना ये 1/√2 इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम यहाँ से फिर हम 1/2 का, 1/2 का साइन कितना डिग्री का 1/2 होता है, फिर वो होता है साइन 45 का, साइन 45 का पाई बाय 4। तो ये आया साइन ऑफ एक्स। तो आप एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो एक्स का वैल्यू निकल गया पाई बाय 4। तो ये विच इज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करेंगे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसके बीच में ये बिलोंग करेंगे वैल्यू पाई बाय 4 जो 45 डिग्री है। तो ये है इसका वैल्यू। तो हम इस तरह हम वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/√2। सिमिलरली इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर अब इसमें ध्यान रखना यह होता है कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जो रेंज है, ये भी मैंने आपको लिखा था, और साथ ही आपको इन शॉर्ट में यही भी आप याद रख सकते हैं। ये तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो आपको इसमें खास खास ध्यान रखना होगा कि इस रेंज के हम आगे पीछे हम नहीं जा सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 से हम छोटा नहीं ले सकते हैं और प्लस पाई बाय 2 से हम बड़ा नहीं ले सकते हैं, यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के आगे पीछे हम नहीं जा सकते हैं। तो ये खास ख्याल रखना है इसी का। इसी तरह बहुत सारा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर IIT या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कम से कम इसमें पूछा जाता है। उस समय आपको इसमें यही इसी का जो रेंज को ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई IIT में 2002 में कुछ क्वेश्चन पूछा था इस तरह, जैसे कि कोस फिर इसका टेन फिर इसका आगे साइन फिर इसका जो आगे आएगा फिर कोड इनवर्स एक्स, इस तरह कुछ क्वेश्चन, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा है IIT में। तो इसमें हमें यही इसको हम आगे आगे करके इसका वैल्यू हम साइन में चेंज करके, साइन इनवर्स में चेंज करके इस तरह आगे आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इसमें यही ध्यान में रखना होगा, जहन में यही रखना होगा कि रेंज का वैल्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। इसमें हमें डोमेन से इतना हमें इतना वो नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है रेंज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, यही है। और इसमें कल भी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इनवर्स फंक्शन में हमें क्या क्या याद रखना है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है
वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, वन वन एंड वन टू होना चाहिए। अगर मेनी वन फंक्शन होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो हमने 11 क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था, उस समय हमें वो पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। आप इसका वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करके, कम करके, इसका जो डोमेन ऑफ रेंज का वैल्यू कम करके, इसको पहले हमने बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया, तब ये इनवर्स, तब ये यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो हम इनवर्स में, हम इनवर्स फंक्शन में हमने चेंज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बनाया है। तो और ये कहाँ यूज होता है ये आपको जानना जरूरी है। ये हम जिसे मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं ये कहाँ अप्लाई होता है, तो ये कैलकुलस में होता है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ तो वहाँ पे ये यूज होता है। इसी तरह बाकी तो आपको पता ही है, मैथमेटिकल जो साइंस और इंजीनियरिंग में वैसे भी होता है, तो ये भी उसी में यूज होता है। मैं पहले साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन मैंने आपको बताया। अब हम प्रॉपर्टीज, इसमें दो ही है, एक प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन है, दूसरा उसका प्रॉपर्टीज से, यही दो हमने सीखना है। पर इसमें ज्यादा है भी नहीं, ये आसान भी है अगर आप ठीक से समझेंगे तो। अगर आप समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, अब कोई दिक्कत होगा तो मेहरबानी करके आप लोग ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको 100% कंसंट्रेशन चाहिए, वरना आपको समझ भी नहीं आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज वैसे भी हर जो जिसे भी हम कोई चैप्टर ले लेंगे तो उसमें से मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इसी तरह इसमें भी है कोई प्रॉपर्टीज, तो इसमें कितना है ये, और इससे भी आगे है। अब हम सिर्फ 12 क्लास में ही तक सीमित रखेंगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, इसी तरह पार्ट एच तक है। तो अलग अलग ग्रुप है। अब अभी मैं आपको पार्ट ए बताऊंगा। तो पार्ट ए एज ए फार्मूला की तरह आपको याद रखना है। हर प्रॉपर्टी का अपना प्रूफ है, हम कुछ एक दो हम कर लेंगे इसमें भी। तो ये याद रखना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो सिमिलरली टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह ये कोड इनवर्स का कोड एक्स के साथ, वो के जो आप यहाँ आपको देख रहा है कि कोई कैंसलेशन जैसे देख रहा है, तो फिलहाल इस तरह याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि कोट इनवर्स और कोट कैंसिल होगा तब जब आप आपका वैल्यू जो आपका मेन जो एक्स का यहाँ जो एक्स के जो वैल्यू है उसका वैल्यू को ख्याल रखते हुए आप कट कर सकते हैं, वरना हम कट नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल वैल्यू में, उसके प्रिंसिपल की वैल्यू में ही रहना चाहिए, उसी के लिमिटेड जो रिस्ट्रिक्शन है उसी में रहना चाहिए, उसके आगे हम कट नहीं कर सकते। जैसे कि जैसे है ये देखिए, साइन इनवर्स, अब हम साइन फॉर एग्जांपल इसमें हम 30 डिग्री या 45 डिग्री ले लेंगे, पाई बाय 4, चलो हम 45 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें खास ख्याल रखना है, तो यहाँ पे हमें खास ख्याल रखना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पाई बाय 4 का वैल्यू, ये वाला हमें खास ख्याल रखना है कि ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ही उसी के रेंज में रहना चाहिए, वरना ये दोनों हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अभी आप इसको कैंसिल करके भी, इस तरह कैंसिल होके भी इसका वैल्यू हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे कोई दूसरा हम लेंगे साइन इनवर्स, फिर हम साइन कोई हम ले लेंगे, चलो कोई दूसरा हम 2 पाई, तो इस तरह हम ले लेंगे। तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये 2 पाई, ये 2 पाई हो गया 180 डिग्री। तो हमारा जो साइन इनवर्स का था वो क्या था, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में रहना चाहिए। तो उस समय
और इस तरह हम कोई क्वेश्चन कर इस तरह क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन इस तरह हम फिर सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ये वैल्यू इसके लाइन द वैल्यू पाई टू पाई इज नॉट लाइन बिटवीन दिस माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, तो उस समय ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो किसी में इस तरह भी कंफ्यूजन दे दिया होगा तो इस तरह ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर इसका वैल्यू नहीं निकालेगा. फिर ये खास ख्याल रखना है. तो इसमें वहाँ पे नोट डिफाइन जो भी है उसका जो ऑब्जेक्टिव में उसमें हम आपको यही उस पर वहाँ पे टिक करना होता है. अच्छा अब बच्चों आप हम पार्ट बी एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को. अब पार्ट बी में क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स. तो इसी तरह कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स. तो मैं इसमें एक आपको बताऊंगा, इसमें पहला पार्ट वाला एक्सप्लेन करूंगा कोसेक इनवर्स एक्स. तो कोसेक इनवर्स एक्स में लाऊंगा आपको साइन इनवर्स 1 बाय एक्स का. तो क्वेश्चन है आप इसको पुट करेंगे कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक्स बनेगा कोसेक वाई. तो इसको मैं वन बाय साइन वाई बनेगा एक्स. आप इसको मैं रिसिप्रोकल कर लूंगा तो बनेगा साइन वाई, इसका भी रिसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा वन बाय एक्स. तो अब इसको मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स विच इज इक्वल टू वाई. तो वाई क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स. तो इस तरह मैंने ये आपको प्रूफ करके दिया है. तो इसी तरह ये बाकी भी कर सकते हैं हम इजीली. तो पार्ट सी में कॉल करूंगा आपको, इसका भी मैं प्रूफ दे दूंगा. थैंक यू.